गाइज, अगर आपका प्राइस 12,000 रुपया उससे कम है तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ कंपैरिजन रियलमी XT और मी नोट 8 प्रो के बीच में। जान लेते हैं दोनों फोन्स की सिमिलैरिटीज, क्या क्या डिफरेंस आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोनों फोन्स के वेरियंट्स यहाँ पर शो किए हुए, आप देख सकते हैं, साथ में मैंने प्राइस भी शो किए हुए हैं। और अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिफरेंस की, क्या क्या आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बढ़ते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रियलमी XT है वो कंपैरिजन टू नोट 8 प्रो से आपको थोड़ा सा पतला देखने को मिल जाएगा, और साथ में वेट में भी यहाँ पर रियलमी XT आगे निकल जाता है, इसमें आपको कम वेट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर नोट 8 प्रो में आपको वेट और दोनों चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बात कर लें दोनों फ़ोन्स के बैटरीज की, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप रियलमी XT में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, वहीं पर मी नोट 8 प्रो में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आती है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। आगे बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको रियलमी XT में 6.4 इंचेस की एक सुपर एमोल्ड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि है 19.5:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। वहीं पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं पर मी नोट 8 प्रो में आपको 6.53 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ में एक IPS LCD है। यहाँ पर आपको 19.5:9 के एक्सपेक्ट रेशियो, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले सेम है, बट यहाँ पर आपको रियलमी XT में सुपर एमोल्ड मिलती है और वहीं पर आपको नोट 8 प्रो में आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा रियलमी XT आगे निकल जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की या फिर चिपसेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियलमी XT में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर वर्क करता है, साथ में आपको एंड्रीनो 616 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर नोट 8 प्रो में आपको हीलियो G90T और 12 नैनोमीटर पे वर्क करता है, साथ में आपको माली G76 MC4 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट दोनों फोन्स के जो परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स है, काफी अच्छे है, लेटेस्ट है। किसी भी तरह की आपको दोनों फोन्स में प्रॉब्लम, गेमिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोनों फोन्स का अगर बात कर ले ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो दोनों फोन में काफी अच्छे प्रोसेसर आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोनों फोन्स की बात कर लेते कैमरास की। तो यहाँ पर रियलमी XT में आपको क्वाड रियर कैमरा और वहीं पर मी नोट 8 प्रो में भी आपको क्वाड रियर कैमरा बैक में देखने को मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का। बट यहाँ पर अगर हम फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो रियलमी XT में 16 मेगापिक्सल, बट नोट 8 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो मी नोट 8 प्रो आगे निकल जाता है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।